हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपानी व्लॉग। आज है 22 जनवरी, यानी राम मंदिर का आज ओपनिंग है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:25, ये देखिए। और मैं भी जा रही हूँ नहाने के लिए, बिकॉज इधर से राम जी की झांकी निकलेगी, तो मैं भी जाऊँगी साथ में। तो मैं भी जा रही हूँ रेडी होने के लिए। मैंने अपना पानी चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, तो चलिए चलते हैं अब रेडी होने, बिकॉज टाइम कम है और जल्दी से रेडी होना है टाइम पर। बाहर से घूम के आने के बाद सुबह के आरती के लिए मंदिर में ही रुक गई थी गाइस, बिकॉज 6 बजे मंदिर में आरती होती है, तो मैं 5:45 में आ गई थी। तो ये देखिए मंदिर के बाद का व्यू, माँ अम्बे कितनी प्यारी कितनी सुंदर लग रही हैं। आरती के टाइम कोई फ़ोटो वीडियो नहीं ले सकते हैं गाइस। तो फिर मैंने यहाँ पर मिलके पूजा के साथ पूजा किया और शिवलिंग पर जल ढाला। फिर यहाँ पर ये देखिए मंदिर को कितनी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है गाइस, फूलों से, रंगोली से, कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ा है। यहाँ पर बहुत सुंदर लग रहा है हम लोग का अम्बे माँ का मंदिर। पूरा सोसाइटी ही भगवा कलर से ही पूरा डेकोरेट कर दिया गया है। और बच्चे लोग यहाँ पे राम सीता लक्ष्मण सब बन के कॉस्ट्यूम में खड़े थे, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत अच्छा भी भजन कीर्तन होगा। ये देखिए मैं नीचे गई, नीचे भी बहुत सारे भजन कीर्तन करने के लिए आए हुए थे अंकल आंटी सब। ये देखिए यहाँ पर भजन कीर्तन हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था गाइस देखने में। फिर मैं भी गई नीचे, ये देखिए आगे। Thank you.
गाइस मैं भजन करके आई हूँ अभी ऊपर, और प्रसाद उसाद सब मिल गया, और अब मैं जा रही हूँ मंदिर से जाऊँगी, घर को डेकोरेट करूँगी, फूलों से जाऊँगी, विथ रंगोली भी बनाऊँगी, और ये यहाँ सोए पड़े हैं, छुट्टी है तो और अभी मैं इनके साथ जाऊँगी मार्केट, मुझे पटाखे लेने हैं और कुछ फ्लावर्स भी लेना है। गई हूँ बाहर मार्केट करने के लिए गाइस, अपना मैंने मंदिर सजा लिया है लाइट से, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने प्रसाद लिया भगवान जी के लिए, कुछ दूध, कुछ और भी सामान लेना था, फिर मैंने बहुत सारे पटाखे लिए, फिर मैंने और हनी ने साथ में मिलके खाया आइसक्रीम, बिकॉज बहुत गर्मी थी इसी के लिए। मैं मार्केट से आ गई सामान लेके, और मैंने अभी लंच में हल्का फुल्का ही बनाया, बिकॉज मैंने सुबह में ऑयली ऑयली खाया, रात को ऑयली ही खाना है इसी के लिए, तो मैंने बनाया है मैगी, और इधर सोए हैं मेरे पति देव जी, हाय कर दो अब आप लोग जा रहे खाने, खा के मैं पूरा घर डेकोरेट करूंगी, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए। गाइस मैं यहाँ पे खीर बना रही हूँ, और साथ में छोले पनीर की मैंने तैयारी कर रखा है, मैं पहले खीर बनाऊंगी उसके बाद मैं सब्जी बनाऊंगी। मैंने अपने सारे कलर को सजा दिया है, और यहाँ पे पूजा बनाना स्टार्ट भी कर दिया, अभी नहीं दिखेगा, और मैं बनाऊंगी यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे तोरण लगा दिया है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट। बाहर रंगोली बना लिया है, और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा अपने मंदिर के सामने रंगोली बनाने, ये देखिए मैंने अपना मंदिर को भी सजा दिया है, और मैंने अपना थाल यहाँ ले आया है, मैं फटाक से वहाँ जा रही हूँ रंगोली बनाने। यहाँ पे हो गया है शाम, और मैं नहा के रेडी हुई हूँ पूजा करने के लिए, ये देखिए मैंने ये शरारा वेयर किया। गाइस मैं यहाँ पे रेडी गई हूँ, और ये अभी रेडी हो रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ सारा पूजा का तैयारी करने, ये देखिए मैंने अपना प्लेट प्लेट निकाल दिया है, रंगोली बना दिया है, तो फटाफट मैं सब पूजा का अरेंज करती हूँ बिकॉज लेट हो रहा है। गाइस मेरा यहाँ पे पूजा हो गया है सब, और मैं जा रही हूँ पूरे घर में दिया रखने के लिए रंगोली पे हर जगह पे, तो आप लोग देखिएगी मैंने अपना घर कैसे सजाया है। We'll be right back.
पूजा हो गया है और अब मैं जा रही हूँ छत पे थोड़े से पटाखे फोड़ने के लिए। हम लोगों को लाइट ऐसे लेना पड़ रहा है फोन के फ्लैश लाइट से। हाँ और साथ में गुड़िया हम लोग पटाखा फोड़ रहे हैं। बच्चा बने हुए तो सारा पॉप फोड़ रहे देखिए। गाइस मेरे यहाँ पे खीर बन के तैयार है, छोले की सब्जी बन के तैयार है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और सबसे बड़े बच्चे तो ये आने पड़े हैं, क्या लेके आए हैं ये आप? देखिए कैसे फूटेगा। इधर 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 फूटा फूटा फूटा। गाइस तो अब हो गया है रात और अब हम और ये डिनर कर रहे हैं। चावल बनाए जब बनाया है मैंने, बिकॉज वहाँ मैंने पूरी खाया था इसी के लिए। और आज का ब्लॉग मैं ही एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय।